सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। फाइनली काफ़ी सारे लीक्स और रूमर्स के बाद में सैमसंग ने अपने गैलेक्सी A30s और A50s को अनाउंस कर दिया है। दोनों ही डिवाइसेस की जो कंप्लीट स्पेक्स और निकल कर आ चुकी हैं, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गैलेक्सी A30 और A50 के ऊपर आपको गैलेक्सी A30s और गैलेक्सी A50s में क्या क्या अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे गैलेक्सी A30s की, तो गाइस जहाँ पे आपको गैलेक्सी A30 में फुल HD+ सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिल रहा था 6.4 इंच का, वहीं पे अब आपको गैलेक्सी A30s में सिर्फ HD+ डिस्प्ले मिलेगा। और यहाँ पे जो स्क्रीन साइज है और जो टेक्नोलॉजी है डिस्प्ले की, वो बिल्कुल सिमिलर आपको मिलने वाली है। यानी कि यहाँ पे सैमसंग ने थोड़ा सा डाउनग्रेड किया है। इसके अलावा इस डिवाइस में अब आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेट भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो प्राइमरी सेंसर है वो 25 मेगापिक्सल का होने वाला है। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेंसर है वो होगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, और जो तीसरा सेंसर है वो यहाँ पे होगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। यानी कि गैलेक्सी A50 में जो सेंसर यूज किए गए थे, वही अब सैमसंग ने अपनी गैलेक्सी A30s में प्रोवाइड कर दिए हैं। और यहाँ पे जो सेल्फी शूटर आपको 16 मेगापिक्सल का ही पहले की तरह देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस डिवाइस में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी अब देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले आपको रियर माउंटेड मिलता था गैलेक्सी A30 के साथ में। तो ये सभी जो अपग्रेड्स हैं गैलेक्सी A30s में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस डिवाइस में और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद में अगर बात की जाए यहाँ पे गैलेक्सी A50s की, तो गाइज यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा बड़े जो अपग्रेड्स हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सैमसंग ने सिर्फ जो कैमरा सेंसर्स हैं उनको अपग्रेड किया है। इस डिवाइस में भी अभी भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेट मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का हो गया है। जो सेकेंडरी सेंसर वो पहले की तरह 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आपको मिलने वाला है, और जो तीसरा सेंसर वो भी पहले की तरह आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर ही मिलने वाला है। इसके अलावा जो सेल्फी शूटर है वो आपको 25 की जगह अब 32 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। और यहाँ पे इस डिवाइस में और कोई भी किसी भी तरह के बदलाव सैमसंग ने नहीं किए हैं। और गाइस इन दोनों ही डिवाइसेज में आपको अभी भी 4000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो कि 15 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में आती है। दोनों डिवाइसेज के जो प्रोसेसर हैं उनको भी अपग्रेड नहीं किया गया है, पहले वाले प्रोसेसर को सैमसंग ने यहाँ पे काम में लिया है। और जो बिल्ड क्वालिटी है और स्क्रीन साइज है वो भी आपको बिल्कुल पहले के जैसा ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो पीछे के कलर्स हैं उनको सैमसंग ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अभी आपको यहाँ पे 4 नए कलर ऑप्शन मिलते हैं दोनों डिवाइसेज में, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जिनमें से जो पहला और दूसरा है वो है प्रिज्म क्रश ब्लैक और प्रिज्म क्रश वाइट। इसके अलावा ग्रीन और वायलेट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो गाइस ये ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ सैमसंग ने छोटे मोटे अपग्रेड्स किए हैं गैलेक्सी A50s में, और A30s में काफ़ी सारे अपग्रेड कर दिए हैं। और गाइस अगर बात की जाए यहाँ पे प्राइस रेंज की, तो ये कंफर्म नहीं है कि सैमसंग इनको किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करेगा और किन किन कंट्रीज में लॉन्च करने वाला है, ये भी कंफर्म नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल इसको ऑन कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर नए अपडेट्स के साथ में।